ओके, देखो कॉमर्स के क्षेत्र में तुमने से कई लोगों ने कहा तुम क्लास 11 में हो, कितने लोगों ने 11th में नया एडमिशन लिया है, एक बार फिर से हाथ उठाना। हाँ, तो देखो तुम लोग और ध्यान से सुनना, कॉमर्स के फील्ड में कैटेगरी ए में कन्वेंशनल करियर ऑप्शंस है, उसमें तीन फील्ड बहुत पॉपुलर है आज भी ना दुनिया में। तुम किसी को जाके किसी शादी विवाह के फंक्शन में किसी से तुम मिले और वो पूछेगा क्या पढ़ते हो, तुमने कहा कॉमर्स, बोला अच्छा अच्छा सीए बनेगा। तुम किसी को कहे तो साइंस पढ़ रहे, बोला अच्छा डॉक्टर या इंजीनियर बनेगा। लेकिन दुनिया चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर और इंजीनियर की बहुत आगे है। आज की तारीख में हजारों करियर ऑप्शन है, इतने ही थोड़े कि कॉमर्स पढ़ लिया तो सीए बन जाएगा। हम तो सीए नहीं है लेकिन दाल रोटी का जुगाड़ है हमारे पास, हमने भी कॉमर्स। सर ये कॉमर्स स्टडी पॉइंट के मंच से आपका मैं मोटिवेशनल भाषण सुन रहा था, आप शिक्षा प्रद बातें कर रहे थे, आपका परिचय जानेंगे सर। मैं डॉक्टर ललित शर्मा जी, मैं दरभंगा से हूँ, ललित नारायण मिश्रा यूनिवर्सिटी से। कारक सर हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया कि सर हमारे स्टूडेंट्स को आप थोड़ा मोटिवेट करें कि वो भी अच्छा करें, अपना और समाज का नाम रोशन करें। तो इसी क्रम में मैं यहाँ आया हूँ और मैंने आज यहाँ के विद्यार्थियों को यह बताया कि वाणिज्य के क्षेत्र में करियर की क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो कैसे CA, CS, CMA या बैंक ऑफिसर बनके अपने परिवार का, अपने देश का नाम रोशन। सर आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, इन तीनों फैकल्टी में कॉमर्स का करियर सबसे कम देखा जा रहा है, छात्र छात्राएं कम नामांकन कराते, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? लेकिन ऐसा नहीं है, अब ट्रेंड बदल रहा है। एक समय हुआ करता था कि जब विद्यार्थियों का साइंस के प्रति बहुत रुझान था, मैं कंपेयर तो नहीं करूँगा, लेकिन अभी आप देखें कि आपके देश में भी कॉमर्स के प्रति स्टूडेंट्स का जो रुझान है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि इस क्षेत्र में करियर बनाने की प्रचुर संभावनाएँ हैं और द बेस्ट ऑफ टैलेंट्स। क्लास 12 में जो बच्चे 99 और 100 तक स्कोर करते हैं वो श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स जैसे प्रतिष्ठित महाविद्यालय में जाते हैं। तो यह शो करता है कि इंडिया में आज भी जो बेस्ट टैलेंट्स है उसको कॉमर्स का क्षेत्र अट्रैक्ट कर रहा है। और हमारे देश में आप देखेंगे तो CA, CS जैसे क्षेत्रों में कॉमर्स के स्टूडेंट जाकर हमारी कंपनीज को बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम दे रहे हैं। और ऐसा ही नहीं है बल्कि IAS में भी इकोनॉमिक्स और कॉमर्स के स्टूडेंट्स की एंट्री काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। तो इस बात को इंगित कर रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में कॉमर्स के विद्यार्थियों का बड़ा प्रचुर योगदान है। थैंक यू। कॉमर्स स्टडी पॉइंट है, इसके संचालक आप ही हैं सर? हाँ। नाम बताएंगे आप? इसके कारण यहाँ कितने विद्यार्थियों को आप पढ़ाते हैं सर? 300। कितने टीचर हैं सर आप? सिंगल। अकेले पढ़ाते हैं? कितना विद्यार्थी स्थान लाया है? मेरे यहाँ इस बार 13 मंडल लेवल पर। ये आज का जो ये कार्यक्रम था, ये इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? मेन मोटिवेशनल प्रोग्राम बनाते हैं, कॉमर्स के क्षेत्र में क्या विकल्प है, कॉमर्स रख के लोग आगे करियर क्या बना सकता है, करियर अपॉर्चुनिटी क्या है, इस पर मेन फोकस। और सम्मान भी कर रहे हैं उन छात्रों का? सम्मान। थैंक यू। अब 2021 के टॉपर जो हिजाब अरबी कॉमर्स स्टडी सेंटर से जो टॉपर बनी है उससे हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप अपनी सफलता का श्रेय उसको देते हैं। और आपने अपने लाइफ में एक मिनट, मैं हिजाब टॉपर हिजाब अरबी से चाहूँगा 2021 के जो टॉपर बनी है स्टडी पॉइंट से वो अपना सफलता का श्रेय और कैसे स्टडी के लिए समझ। Education of commerce from commerce study point in general by SK Karak sir, and objectives of SK Karak sir is to promote और CMA हो गया cost and management account। हम brief में बताएं ये लोग काम क्या करते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो किसी CA के ऑफिस में गए हैं? कितने लोग CA के ऑफिस में गए हैं? अच्छा एक बच्ची गई है लेकिन अभी श्योर नहीं वो CA थे कि नहीं थे। अच्छा देखो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को काम क्या करना है मैं आपको आपकी भाषा में समझा, आप जिस भाषा को समझोगे।
अच्छा एक बात बताओ, भारत में भारत सरकार को टैक्स मिलता है? भारत सरकार टैक्स कलेक्ट करती है, एक डायरेक्ट टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स। तुमको पता है भारत सरकार एक साल में कितना टैक्स कलेक्ट करती है? भारत सरकार एक साल में कितना टैक्स कलेक्ट करती है? भारत सरकार के पास यानी 24 घंटे में लगभग 6,000 करोड़ रुपए का टैक्स आ जाएगा अगर औसत निकाले तो। एक साल में भारत सरकार 22 लाख करोड़ से ज्यादा टैक्स पा के कई देशों की जीडीपी नहीं आती है। तो अभी ये जो टैक्स सरकार लेती है उसमें से आप बताओ आप में से कितने लोग डायरेक्ट टैक्स देते हैं, तुम में से कितने लोग हैं जो इनकम टैक्स देते हैं? इन बच्चों से पूछो, कोई नहीं। लेकिन उसके बाद भी सरकार 22 लाख करोड़ से ज्यादा टैक्स कमा रही है। तो किसी चाहे वो आर्टिफिशियल पर्सन है जैसे वो कंपनी है पार्टनरशिप फर्म है, अब इतनी कंपनी इतना बिजनेस उनकी इतनी कमाई, अगर बिजनेसमैन से पूछेंगे सवाल कि तुम कम से कम कमाना चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा, तो क्या बोलेगा? ज़्यादा से ज़्यादा। और फिर उससे पूछेंगे अच्छा बताओ टैक्स क्या देना चाहते हो, कम से कम कि ज़्यादा से ज़्यादा? देखो मकान मालिक से पूछेंगे कि मकान का किराया कम से कम लीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा, तो क्या बोलेंगे? बोलेंगे अच्छा बताओ टैक्स कम से कम कि ज़्यादा से ज़्यादा? कम से कम। तो अधिकांश लोग मतलब जब बच्चे ऐसा कह रहे हैं तो व्यापारी तो ऐसा बोलेंगे ना कि ज़्यादा से ज़्यादा इनकम और टैक्स के समय टैक्स कम ही कम। तो भारत सरकार के पास दैट इज कॉल्ड चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, उस एक्ट के मुताबिक एक बॉडी बनी जिसका नाम है ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। उसको जिम्मा दिया गया कि आप जैसे जो बच्चे हैं ना उनमें से जो CA का कोर्स करना चाहें वो इनरोलमेंट करें, कोर्स करें, CA का इनफैक्ट क्वालिफिकेशन ले लें, और उनका काम होगा ये चेक करना कि ये जो बिजनेस एंटरप्राइजेज हैं ये सही टैक्स का कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो CA ना एक लिंक है, ट्रू एंड फेयर पिक्चर दिखा रहा है, ये चेक कर। तो बताओ ये ईमानदारी वाला काम है या बेईमानी वाला काम? कमरे के बाहर एक रूटीन होती थी, सुबह इतने बजे उठना है, इतने बजे ये, इतने बजे एग खाना है, इतने बजे मिल्क पीना, सब लिखा हुआ था। अगर 4 से 5 खेलने का टाइम है तो 4:56 पे उसकी मम्मी आके खड़ी हो जाती थी और आवाज़ देती थी उत्पल। और सपोज लास्ट ऑफ जनरल इंडिया अर्बन इंडिया Tier 1 city, Tier 2 city इनका गैप खत्म हो गया इंटरनेट के द्वारा, अब ये गैप नहीं है, अब जिसमें जज्बा है वही आगे बढ़ेगा। आपने फिल्म देखी होगी Super 30, अब राजा का बेटा राजा नहीं बने, हाँ ये ध्यान रखना, आप में टैलेंट है, यू मस्ट हैव कैपेबिलिटी। तो CA करता क्या है? CA का पहला काम होता है, कई बिजनेस एंटरप्राइजेज हैं जैसे जॉइंट स्टॉक कंपनी, उसके लिए ऑडिट कराना कंपलसरी है, उसको अपने खाते की जांच करवाना है। तो या तो वो कंपनी एक CA को एम्प्लॉय करेंगे, नौकरी देंगे, वो CA रोज ऑफिस आएगा और अकाउंट्स को इवैल्यूएट करेगा। अगर वो एक्सटर्नल ऑडिटर है तो वो कंपनी में आएगा, बुक्स को एग्जामिन करेगा, जब तक ऑडिट रिपोर्ट नहीं बनेगी कंपनी के सारे अकाउंट्स को इनकम टैक्स अथॉरिटीज नहीं मानेगा, यानी CA के सिग्नेचर में बहुत पावर होगा। मैं आपको बताऊं कि डीमोनेटाइजेशन के बाद मोदी जी ने डीमोनेटाइजेशन अनाउंस किया था, उसके बाद उनको लगा ये डीमोनेटाइजेशन फेल हो गया, तो पता उन्होंने इमीडिएट नेक्स्ट मीटिंग किसके साथ की थी? उन्होंने इमीडिएट नेक्स्ट मीटिंग की थी देश भर से चार्टर्ड अकाउंटेंट को बुला के, ऐसे ही बैठे थे, एक ऑडिटोरियम था जहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बैठे थे, और मोदी जी ने उनको एड्रेस किया और बताया कि मेरे पास लिस्ट है कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट ने अपनी छुट्टी कैंसिल की है, कितने ने फॉरेन टूर कैंसिल किया, केवल इसलिए कि सब कच्चा पक्का बराबर करना। तो CA बन के ये नहीं करना, लेकिन CA की कलम में बहुत ताकत होती है। तो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट तुम जीवन भर जॉबलेस नहीं रहोगे इफ़ यू परस्यू CA। रोडमैप क्या है? आप क्लास 12 पास अगर हैं तो आपको एक परीक्षा देनी पड़ती है, पहले वो CPT होती थी, अब फाउंडेशन होती है, दिस इज फॉलोड बाई इंटरमीडिएट लेवल। फिर देखो एक बात बताओ, CA का कोर्स क्लासरूम में चॉकबोर्ड पे पढ़ा के हो सकता है? सोच के देखो, उसको एक्चुअल एनवायरनमेंट में अकाउंट्स ऑडिट करना है, वो भी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग बोर्ड पे सिखाएंगे। अगर हम तुमको कार बनाना बोर्ड पे सिखाएंगे सीख जाओगे? हवाई जहाज चलाना बोर्ड पे सिखाएंगे सीख जाओगे? नहीं सिखाओगे। तो एक CA के लिए ये कंपलसरी हो गया है कि ग्रेजुएशन इंटरमीडिएट के बाद 3 साल, कितने साल, वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की ऑफिस में जाएगा और वहाँ ट्रेनिंग लेगा, दिस इज कॉल्ड इंटर्नशिप।
इसमें सैलरी नहीं मिलती, इसमें स्टाइपेंड मिलता है, आपको आने जाने का ऑटो भाड़ा मिलता है, बस इतना समझ। लेकिन इन तीन वर्षों में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऑफिस में जाके आप बहुत काम सीखते हो, इसके बिना आप सीए नहीं बन सकते, दिस इज कंपलसरी। उसके बाद आप सीए फाइनल दोगे, आपको एक कंपलसरी है कि तुम किसी कंपनी में एम्प्लॉई बन जाओ, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ITC लिमिटेड, बहुत सारी कंपनीज हैं जो रेगुलर बेसिस पे चार्टर्ड अकाउंटेंट का अपॉइंटमेंट करती है। दूसरा ऑप्शन है तुम्हारे पास कि तुम अपनी ऑफिस खोल दो, क्लाइंट तुम्हारे पास आएंगे, तुम ऑडिट करोगे, क्लियर। अब सीए कोर्स की तरह एक और कोर्स होता है CS। हम फिर एक सवाल पूछेंगे, कितने लोगों ने CS का नाम सुना है, तो बताओ, बहुत इंटेलिजेंट है। कितने लोग CS कोर्स होता क्या उसके बारे में सब जानते हैं, अच्छा कितने लोग जानना चाहते हैं ब्रीफ, ओके देखो ध्यान से समझ, अच्छा कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है, ओके तुमको जब लगे बोर हो रहे हो तो उबासी लेना शुरू कर देना, हम तुरंत अभी आंसर में बताएंगे। देने सीधे को क्या होता है मैं आपको बताऊं, जानकारी का क्या फायदा होता है मैं आपको बता रहा हूं। एक स्टूडेंट सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची का, तीनों क्लासरूम में साथ में बैठे, एक दिन ना ए जो है वो आंसू बहा रही, बी ने पूछा क्यों, बोली सी जा रही, जो मन का एक तरंग होता है उस तरंग को एक सूत्र में बांध करके एक छात्र और शिक्षकों के बीच जो आपसी समन्वय होता है, एक आपसी जो अंडरस्टैंडिंग होती है या खासकर जो देखने को मिल रही है वह काफी काबिले तारीफ। तो मैं सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित हमारे अभिभावक कुल माननीय पूजनीय गुरु जी विष्णुदेव सर जी और इधर हमारे और जितने भी शिक्षक महोदय हैं इन सभी को सबसे पहले मैं प्रणाम स्वीकार हूँ मेरा। साथ ही यहाँ उपस्थित हमारे अनुज से हमारी एक भाइयों एवं बहनों के रूपों में यहाँ उपस्थित छात्र एवं छात्राएं, जिसमें बहुत सारी छात्राएं अगर हमसे पठन पाठन किए होंगे, अगर इंटरमीडिएट में आप ऑलरेडी कॉमर्स से विभाग से हैं तो निश्चित ही आपको मेरी बहुत बड़ी शुभकामना, और टेंथ तक अगर आप राकेश मैथमेटिक्स क्लासेस से अगर अध्ययनरत होंगे तो मैं चाहूँगा आप एक बार हाथ उठाएंगे तो बड़ी कृपा होगी। जो भी छात्र अगर राकेश मैथमेटिक्स क्लासेस से अगर अध्ययनरत हैं और जो भी छात्र हैं बिल्कुल, तो और कुछ होनी भी चाहिए, जहाँ भी मैं आज तक गया हूँ निश्चित ही जो मेरी देख के बगीचाएँ हैं उस बगीचाओं से जो फूल हर जगह सुंदरता बिखेरती है और इससे एक मन प्रफुल्लित होता है, और यही भावना लेकर के किसी भी कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो आज के यह जो मोटिवेशनल कार्यक्रम है जिसमें हमारे बीच में अभिभावक तुल सभी अभिभावक गण उपस्थित हैं, साथ साथ है पीजी हॉस्टल में कोसी हॉस्टल में हम लोगों ने साथ पढ़ाई की, मैं सीधा बोलूं बहुत आगे जाए, बहुत आगे जाए, और कहा जाए तो हम लोग तो कॉलेज में है लिमिटेड बच्चों, सारे बाउंड्री को तोड़कर पूरे शहर पूरे जिला जहां से बच्चे आएंगे सबको सर इंटरेक्ट करते हैं।